हेलो दोस्तों दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो बच्चों इस टॉपिक पर हम दो वीडियो बनाने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि दूसरी वीडियो प्राइवेट वीडियो होगी जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। इसके अलावा हम वहां पे यूजी पीजी यूजीसी नेट यूपीएससी और भी कई तरीके की चीज कोर्सेज जो हैं वो हम वहां पे प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको ये हमारे कोर्सेज को देखना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज इसके अलावा आपको जो वीडियो कोर्सेज हैं वो तमाम तरीके के वीडियो कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों ये जो वीडियो है ये हमने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाई हुई है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना हूँ बेसिक बातें बताएंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, कार्ब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि अमेरिकी अर्थशास्त्री थे कार्ब और डगलस, जिन्होंने अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक तरीके से सर्वे किया और इंपीरिकल जो सर्वे था जो था 1890 से लेकर 1922 तक और इसमें उन्होंने बताया कि जो उत्पादन है उसमें श्रम और पूंजी का जो योगदान है वो कितना कितना होता है, यानी कि क्या उत्पादन बढ़ने की वजह श्रम की मात्रा में वृद्धि है या पूंजी की मात्रा में वृद्धि है या श्रम के योगदान में वृद्धि है या पूंजी के योगदान में वृद्धि है। देखिए दोनों बातें अलग अलग है, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो इस पूरे के पूरे को उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित किया और जो आर्टिकल था उसका नाम था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। और कार्ब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, इस नाम से जाना जाता है क्यू इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा। तो बच्चों ये जो है ना ये रेखीय समरूप उत्पादन फलन है, इसके बारे में बच्चों मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है ये मैं मिटा देता हूं ताकि कंसेप्ट में थोड़ी कंफ्यूजन ना रहे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए जो कंसेप्ट है वो यहां पे ये हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है मैं आपको जरूर समझाऊंगा अदरवाइज हमारी बात अधूरी रह जाएगी। ये दो अलग अलग है। देखिए सपोज कीजिए सबसे पहले उत्पादन पैमाने का प्रतिफल, यानी कि दीर्घकाल की हम बात कर रहे हैं, दीर्घकाल में एक उत्पादक के पास इतना समय होता है कि सभी दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, हम सब जानते हैं सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि हम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हम लेबर को भी बढ़ा सकते हैं और कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। यहां पर हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है, जैसे मान लीजिए एक यूनिट आप उत्पादन करना चाहते हो एक्स्ट्रा, एक यूनिट आप एक्स्ट्रा उत्पादन करना चाहते हो तो एक यूनिट उत्पादन करने के लिए अगर मान लीजिए श्रम हो और पूंजी ना हो तो आपका उत्पादन जीरो होगा। बिना श्रम, केवल श्रम बिना पूंजी के उत्पादन नहीं कर सकता। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो बनाने में जो मेरा मोबाइल फोन है वो पूंजी है, जो माइक लगा हुआ है वो पूंजी है, मैं मान लेता हूं ये बोर्ड भी पूंजी है, ये मार्कर भी पूंजी है, इसको हम पूंजी मान लेते हैं। दूसरा श्रम, श्रम का मतलब है कि जो पढ़ाने वाला है। इस वीडियो बनाने में मोबाइल का रोल बहुत कम है, लेबर जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब मैं ये लिखूंगा कि जो लेबर है उसका इस वीडियो बनाने में 75% रोल है और 25% रोल जो है वो कैपिटल बनाने में है। यानी कि इस स्थिति में इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरामीटर है ये वाला अल्फा, ये बताता है कि वस्तु, यानी कि एक वीडियो बनाने में श्रम ने कितनी भूमिका निभाई और पूंजी ने कितनी भूमिका निभाई। तो श्रम का मतलब, जैसे मान लीजिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें श्रम का जो योगदान है वो है ज्यादा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि श्रम का योगदान 90% है और पूंजी का योगदान 10% है। यानी कि मेरे बिना केवल मोबाइल फोन से आप वीडियो नहीं बना सकते हो, मेरे बिना केवल इस बोर्ड से आप वीडियो नहीं बना सकते हो, लेकिन मैं बिना मोबाइल के भी वीडियो नहीं बना सकता। अगर मान लीजिए मेरे पास कैपिटल नहीं होगी तो उत्पादन कैसे करूंगा। तो यहां पर बच्चों हमें समझना यह है कि ये जो है ना ये वाला जैसे मान लीजिए ये बता रहा है कि जो लेबर की एफिशिएंसी है, लेबर जो रोल एक यूनिट प्रोडक्शन करने में लेबर का जो रोल है वो केवल 0.25 है और कैपिटल का रोल जो है वो 0.75 है। तो क्योंकि जो कार्ब डगलस है उन्होंने पाया
कि अगर हम लेबर को डबल कर देते हैं और कैपिटल को डबल कर देते हैं तो जो एफिशिएंसी है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों को जोड़ने के बाद, यानी कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दूं तो उन्होंने वन के बराबर उसको बताया, वो हम आगे बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे इन सब का मतलब हम बता रहे हैं, क्यों का मतलब उत्पादन है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एल का मतलब श्रम है, के का मतलब पूंजी है, ए का मतलब देखते क्या है, ए का मतलब है टेक्निकल टेक्नोलॉजी। देखिए ए जो है ना इस पूरे प्रोडक्शन फंक्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तकनीकी विकास के कारण श्रम की कुशलता में वृद्धि होती है। आज अगर हम इस दौर में हैं, मैं अपने घर में बैठ के भारत के किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, बल्कि भारत से बाहर भी किसी भी बच्चे को पढ़ा पा रहा हूं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्निक है, इसीलिए इतना ज्यादा बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी को हम कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहां पर हमारा मुद्दा टेक्निक नहीं है, हम टेक्निक का प्रभाव उत्पादन पे क्या पड़ेगा ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे, इसीलिए हम टेक्निक को क्या मान रहे थे, कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि एक कॉन्स्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसे कॉन्स्टेंट मानेंगे तभी हम लेबर और कैपिटल का प्रभाव उत्पादन पे क्या पड़ेगा ये जान पाएंगे, अगर हम तकनीक को अस्थिर माने। लेकिन हमें याद रखना है कि जो तकनीक है वो एक पॉजिटिव वेरिएबल है, यानी कि कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, और ये भी दर्शाता है ए की वैल्यू कि अगर ए बढ़ता है तो ये तकनीकी विकास को दिखाता है, और अपने विश्लेषण में हम ए को कांस्टेंट मान लेते हैं। ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें ये पता करना है कि श्रम को बढ़ाने से, पूंजी को बढ़ाने से उत्पादन पर क्या असर पड़ा है, ना कि तकनीक का असर हम पता कर रहे हैं। जब तकनीक का असर पता करेंगे तब हम एल और के को कांस्टेंट मान लेंगे। यही तरीका है बच्चों किसी भी चीज़ का प्रभाव पता करने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये पैरामीटर्स, ये पैरामीटर हमें क्या बताते हैं, मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो पैरामीटर है अल्फा, ये वाला, ये बताता है कि अगर हमें उत्पादन में 1% वृद्धि करनी है, मान लीजिए 1% वृद्धि करनी है, ठीक है, तो हमें पूंजी की, तो हमें श्रम की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी, मतलब यदि श्रम में 1% वृद्धि की जाए, सॉरी गलत बोला मैंने, दोबारा से बोल देते हैं, यदि श्रम में 1% वृद्धि की जाए तो उत्पादन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि का सूचक है, यानी कि अगर श्रम में 1% वृद्धि की जाए तो उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि पूंजी की मात्रा स्थिर रहे, ठीक है, तो ये हमें बताता है यह श्रम की, यह उत्पादन में श्रम की लोच का सूचक है, यानी कि यह क्या बताता है कि उत्पादन में कितने % वृद्धि होगी अगर श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाए। तो क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि समरूप, रेखीय समरूपी उत्पादन फलन है, पैमाने का समान प्रतिफल है, तो हम इसका कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 से कम रखेंगे, याद रखिएगा 1 से कम रहेगा, क्योंकि दोनों में से इस किसी की वैल्यू को हम 0 नहीं मान सकते, किसी के भी कंट्रीब्यूशन को 0 नहीं मान सकते। इसी तरीके से 1 - अल्फा भी बोलते हैं, कई जगह बीटा भी बोलते हैं, ये पूंजी के कंट्रीब्यूशन को दिखाता है, यानी कि अगर पूंजी की मात्रा में 1% वृद्धि की जाए तो उत्पादन में कितने % वृद्धि होगी, कितना गुना वृद्धि होगी, क्या परसेंटेज होगा, उसको बताने का काम करता है हमारा जो पूंजी की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो ये उत्पादन में पूंजी की लोच को सूचक है, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है, उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि बढ़े श्रम में प्रतिशत वृद्धि। बच्चों इसकी वैल्यू भी 1 से कम रहेगी, यानी कि मैं आपको बता देता हूं अल्फा भी 1 से कम रहेगा, बीटा भी 1 से कम रहेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो वो 1 के बराबर होगा, ऐसा मानना था काब डगलस का, ठीक है बच्चों। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, और ये कभी भी 0 नहीं हो सकते, इसलिए मैं लिख देता हूं मोर देन 0 होगा, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, यानी कि दोनों में से कोई भी मोर देन, कोई भी किसी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और ए जो है तकनीक वो कॉन्स्टेंट है लेकिन वो भी 0 से ज्यादा है, ये भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों इसकी कुछ मान्यता है, उनके बारे में मैं आपको बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली मान्यता है रेखीय समरूपी उत्पादन फलन का, जैसा कि हमने यहां बताया था। देखिए रेखीय समरूपी उत्पादन फलन का मतलब है कि अगर हम साधनों की मात्रा को दुगुना कर दें, ठीक है, तो उत्पादन की मात्रा भी दुगुनी हो जाएगी, यानी कि जो काब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है वो रेखीय, आप कह सकते हो साधन के समरूप प्रतिफल की मान्यता पर आधारित है। इसका मतलब अगर हम इसको एम से डबल कर मल्टीप्लाई कर दें, एम से मल्टीप्लाई कर दें जैसा कि यहां पे किया हुआ है, और इसको एम से मल्टीप्लाई कर दें जैसा कि यहां किया हुआ है, तो जो ओवरऑल है प्रोडक्शन वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि जो भी नंबर है अगर एम को दुगुना कर दें, एम मतलब दुगुना, तो उत्पादन भी जो होगा वो दुगुना हो जाएगा। ये इसका सिंपल मतलब है। मैथमेटिकली हमने क्या किया यहां पे, सबसे पहले हमने एम से मल्टीप्लाई किया है, फिर ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, अल्फा से एम अल्फा हो गया, एल अल्फा, फिर एम बीटा, के बीटा, फिर जो जो एल है और के है उसको एक तरफ ले आए, एम एम को एक तरफ ले आए, यहां पे इसको जोड़ दिया गया है,
और हमने ये बताने की कोशिश किया कि भाई जितने एम की वैल्यू जितनी होगी उतने ही गुना ये बढ़ जाएगा। सिंपल सरल भाषा में हमने ये बच्चों बताने की आपसे कोशिश की है। अतः जिस भी अनुपात में साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाएगी उत्पादन में भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो बच्चों ये तो मानना था काब डगलस का, लेकिन कुछ सुधार हुए, सुधार ठीक है, क्या सुधार हुए, कई अर्थशास्त्रियों ने जो काब डगलस है उसके जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको सही नहीं माना और कहा कि ये जरूरी नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा बनाकर एक ही हो। अगर अल्फा प्लस बीटा बनाकर एक होता है तो ये पैमाने का समान प्रतिफल को दर्शाता है, लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, लेबर और श्रम की मात्रा को डबल करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल लागू होगा, और जब एफिशिएंसी घट जाएगी तो पैमाने का घटता प्रतिफल लागू होगा। तो बच्चों ये कंडीशन है, अगर अल्फा प्लस बीटा एक के बराबर है तो पैमाने का समान प्रतिफल है, अगर अल्फा प्लस बीटा एक से ज़्यादा है तो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल है, और अगर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है जोड़ के एक से कम है तो वो पैमाने के गिरते प्रतिफल को दिखाती है। तो बच्चों एक मान्यता तो आप ये याद रखना कि रेखीय समरूप उत्पादन फलन है, दूसरा उत्पादन के केवल दो ही साधन इन्होंने माने हैं, जबकि वास्तविक जीवन में आप देखोगे तो उत्पादन करने के लिए केवल पूंजी की जरूरत नहीं होती है, केवल श्रम की जरूरत नहीं होती है, भूमि भी चाहिए। अब जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, क्या बिना भूमि के ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर हम भूमि में माहौल जोड़ लें ठीक है, तो माहौल भी इसको इफेक्ट करता है, और सबसे बड़ी बात उद्यमी, ऐसा व्यक्ति जो रिस्क ले रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो मोटिवेटेड कर रहा हो श्रम को, पूंजी को, कि भाई तुम भी काम करो, ये भी बहुत जरूरी है। तो यहां पे केवल दो ही साधन लिए गए हैं, इसके अलावा श्रम की उत्पादकता को और पूंजी की उत्पादकता को स्थिर माना गया है, यानी कि उनकी जो उत्पादकता है उसमें किसी भी तरीके की चीज नहीं आ रहा है ठीक है। इसके अलावा मतलब जैसे जो उसका जो रेट है वही बना रहेगा, अगर ये 0.25 है तो लेबर की मात्रा बढ़ने से भी ये 0.25 ही रहेगा, कैपिटल की मात्रा बढ़ने से भी 0.75 रहेगा, ये इनकी मान्यता है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा काम या पार्ट टाइम काम नहीं करता है बच्चों। तो ये हमारी विशेषता मान्यताएं खत्म हुई। अगले वीडियो में बच्चों हम बताएंगे आपको काब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की विशेषताएं, यानी काब डगलस के प्रोडक्शन फंक्शन की जो सारी की सारी विशेषताएं बच्चों, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारी सारी की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।